सोनाली जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल से। ये जिस तरह से कनेक्शन आपने दिया जो एग्जीबिशन है उसके बारे में क्या कहेंगे, कितना पसंद आया? वेल बहुत अच्छा कलेक्शन है, इट्स क्यूरेटेड रियली वेल, इट्स वेरी नाइस स्टोर एंड कुछ हैंडलूम साड़ियाँ हैं, कुछ हैंडलूम कपड़े हैं जिसने मुझे अट्रैक्ट किया है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई रियली लाइक इट। और मुझे मेन चीज़ ये है घर से बहुत पास है। आमतौर पर किस तरह की कलेक्शन आपको पसंद है? हाँ, मुझे नेचुरल फैब्रिक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मिनिमलिस्टिक ज़्यादा अच्छा लगता है, शायद इसलिए क्योंकि जब भी मैं ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाला पहनती हूँ तो मुझे लगता है मैं काम पे जा रही हूँ। सो पर्सनल लाइफ में मुझे सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फैशन आपके बारे में क्या लगता है? फैशन वो हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें पहनो जो आप कंफर्टेबल नहीं हो तो वो हमेशा ही बुरा लगता है। और दूसरी बात यह है कि फैशन वो है जो मुझे सूट करता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं किसी और के ओपिनियन की मोहताज नहीं हूँ। हाल ही में हमने आपको रियलिटी शोज में देखा, आने वाले समय में किस किस प्लेटफॉर्म पर? वेल एक्चुअली लाइफ में कभी प्लान नहीं किया है और ना मैं करना चाहती हूँ। आई थिंक प्लान किए बगैर गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड और हमेशा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। सो मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही ज़िंदगी मिले और ऐसे ही सरप्राइजेज मिलते रहें और कुछ ना कुछ आई एम श्योर अच्छा ही होगा जो भी होगा। आपकी टाइम हो गया बड़े पर्दे पर, मन नहीं कर रहा अभी भी आने का, आई डोंट नो, जब करेगा तब कर लूँगी। आपण या कलेक्शनबद्दल तोट्याप्रमाणे सगळ्यांना म्हणजे हिंदी में जवाब दे। मेक इन इंडिया के निमित्त हैंडलूम्स के ऊपर फोकस करना बहुत ही महत्वपूर्ण है,
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बूंदकर जो है वो बनाता है डिज़ाइनर का पोशाक, और उस दृष्टि से हमने ये कलेक्शन इकट्ठा किया है। झारखंड से हो या महाराष्ट्र से हो या फिर कच्छ से, मैं मानती हूँ कि देश भर में जितने भी बूंदकर वीवर्स हैं उनको ये एक ट्रिब्यूट है हैंडलूम कलेक्शन। आपने कब सोचा कि बढ़ावा दिया गया, आप भी योगदान दीजिए? देखिए, मैं साड़ी के लिए पागल हूँ और मैं मानती हूँ कि साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसा पोशाक बनाने की आवश्यकता है जो ना सिर्फ भारतीय है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको लोगों को अपनाना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि ये जो हैंडलूम्स है सही मायने में एक टेक्सटाइल के रूप में एक ट्रिब्यूट है ये वीवर्स के लिए, और इसलिए झेलम और हमने ये टाइप किया है जहाँ मेक इन इंडिया के निमित्त ये हैंडलूम कलेक्शन को लॉन्च किया है। स्किल डेवलपमेंट के साथ आपने किस तरह से कोलैबोरेट करनी है? स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे महिलाओं हैं जो घर पे बैठ के एम्ब्रॉयडरी करते हैं, घर पे बैठ के बॉर्डर्स बनाते हैं और फिर चिपका के हम जैसे डिज़ाइनर्स को देते हैं, उनको रोज़गार मिलती है और हमको व्यवसाय। आप कुछ कहना चाहेंगे पूरे एग्जीबिशन के बारे में? मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं शाइना जी की साड़ीज़ को जो ऑलरेडी इतनी सेलिब्रेटेड है मेरी छोटी सी वे में लॉन्च कर सकी हूँ, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, और आने वाले समय में हम और किस तरह के मतलब कलेक्शन और किस कितना प्रमोट? मुझे लगता है कि देश भर में आप देखेंगे तो आज डिज़ाइनर ने नाम पैसा कमाया है लेकिन बूंदकर जो सही मायने में टैलेंट के हकदार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो ऐसे लॉन्चेस करने से एक कमर्शियल वायबिलिटी के साथ उनको रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं और हम जैसे लोग उनको पेश करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। थैंक यू सो मच। Okay, roll. बहुत स्वागत है आपका। हैंडलूम कारीगरों द्वारा ये निर्मित ये यहाँ पर जो भी कपड़े हैं उनका एग्जीबिशन हुआ, आपने देखना कितना पसंद आया? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहन भी रही हूँ शैना एमसी की साड़ी, हैंडलूम साड़ी, बहुत लाइट है एंड इट्स वेरी इजी टू ड्रेप। जैसे शिफॉन होती है उससे भी क्वालिटी अच्छी है क्योंकि इट्स सो सॉफ्ट एंड वेरी डेलिकेट एंड दे हैव बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है कलर्स विद लिटिल वर्क ऑल्सो। मुझे लाइक सिल्क, द सिल्क फील, यू नो, बहुत पहले अपने मम्मी को देखा करते थे कि वो पहन रहे हैं, बट आई नेवर न्यू द कि यू नो दिस साड़ी वुड बी दिस लाइट। सो आई हैव एंजॉयड वेयरिंग दिस साड़ी एंड आई एम श्योर नाउ पीपल विल वेयर इट मोर ऑफन बिकॉज इट इज इट्स सो प्योर एंड हैंडमेड एंड फ्रॉम डिफरेंट सिटीज फ्रॉम वेयर शाइना हैज कल्ड सच काइंड ऑफ क्वालिटी। सो आई थिंक इट विल कम लाइक यू नो इन फैशन। Not only that, I've seen ghagras in it, I've seen lehengas in it. I was quite appalled about it. So I'm very happy that I've been introduced to this collection. So do you want to get engaged in the designing business in the future if given an opportunity? Is this that you need to give full time? So my time is just making films right now. And, oh God. So... Birds. I don't know if I would do justice. You need to do justice to whatever you have to feel you're in. So I'm happy where I am now. Yeah, thank you. कि वुमेंस डे आ रहा है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप वुमेंस डे पर, क्योंकि आप खुद एक बिजनेस वुमेन हैं? आई फील वेरी प्राउड दैट आर वुमेंस दीज डेज आर द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स एंड we are doing so well for ourselves. I meet a lot of friends of mine, my colleagues and all, in the same field or in the other field, in fashion or in any kind, and you can learn so much from each other, how we manage different kind of like home, being a homemaker,
and being a mom and taking care, multifarious works a woman only can do. So I'm very proud to be a woman, and I hope the if ever you have a next birth, I would love to be a woman again. And I would say, I would tell all women, keep doing your good work and just believe in yourself. I'm sure we can conquer much more things than we are, that we think we are not capable of. Thank you so much. Thank you. देखिए एग्जीबिशन जो हैंडलूम कारीगर हैं उनके द्वारा निर्मित की गई जी जी तो और अरे बहुत ही बेहतरीन, इतना एस्थेटिक है और इतनी कारीगरी जो है बहुत ही मतलब डेलिकेट और बारीक है। और जिस तरह से कारीगर और भारतीय कारीगरी को बढ़ावा मिलना चाहिए, वो मिलता हुआ जब मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो मोर पावर होनी चाहिए कारीगर के हाथ में, ताकि मतलब वो भारतीय संस्कृति और उसकी जो विधि लिखी है वो दिखा सके, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले अच्छा काम दिखाने का। तो मेरे ख्याल से वो दिख रहा है यहाँ पर। शाइना जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट और जो क्या है वही तो है, इनिशिएटिव से जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। वो बिल्कुल वही तो कोशिश है, स्किल डेवलपमेंट जो है वो स्किल को बढ़ावा देके ही वो स्किल डेवलपमेंट मिल सकती है, तो वो हिसाब है। वो अच्छी बात। इन दिनों फिल्मों का जो दौर है काफ़ी अच्छा रहा है, दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई जी और दोनों ने ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई, तो आप कह सकते हैं सिनेमा का दौर है, मतलब सिनेमा का जमाना आ चुका है। मतलब मेरे बेटर हाफ, मतलब मेरी पत्नी दीपा भाटिया ने रईस एडिट की है, तो मैं जानता हूँ कि उसको भी सक्सेस मिली है और काबिल को भी सक्सेस मिली है। अच्छी बात है, जितना बढ़ावा मिले उतना हम जैसे मिस्कीन मुसाफिरों के लिए अच्छा है, कुछ काम मिल जाएगा, बढ़ावा मिलेगा। सिंगल थिएटर ऑनर्स जो है दंगल को लेकर काफ़ी खुश हुए हैं जी, खासतौर पर डीमोनेटाइजेशन के दौरान, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अच्छा है, दंगल इतनी खूबसूरत फिल्म है और चाहे सिंगल स्क्रीन हो या मल्टीप्लेक्सेस हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट आप शेयर करना चाहेंगे? मैं अभी स्निफ की शूटिंग कंप्लीट कर चुका हूँ, वो पोस्ट प्रोडक्शन में। स्निफ बच्चों की फिल्म है, इट्स अ चाइल्ड डिटेक्टिव फिल्म, और उसके बाद साइना नेहवाल लगे हुए। साइना नेहवाल ने यूमिन से बायोपिक, तो बायोपिक साइना नेहवाल पे, तो उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया है। हाँ, उनके साथ तो आप पढ़ते नहीं शायद, सवा साल से लगा हुआ चल रहा, अभी स्क्रिप्ट जो है बनते बनते बन रही है, कंप्लीट हो रही है, फिर कास्टिंग करेंगे। ओके, तो प्री प्रोडक्शन भी आप स्टार्ट करेंगे? प्री प्रोडक्शन तो कास्टिंग के बाद करेंगे ना, अभी तो स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू।